सती शिवजी से कहे हर साई के बात समुझाई के ना। जइबे बाबूजी के घर, जइबे बाबूजी के घर, जग देखब सुघर, जग देखब सुघर, जग देखब सुघर, जग देखब सुघर, जग देखब सुघर। राउर चरण में हो, राउर चरण में मनमा लगाई के बात समुझाई के ना। राउर चरण में मनमा लगाई के बात समुझाई के ना। राउर चरण में मनमा लगाई के बात समुझाई के ना। कहे शिवजी सुना प्यारी, भगवान भोलेनाथ कहलन के बिना बोलावल कहीं ना जाए के चाही। महारानी मत जा, कली नाहिर सैया आदेश दा हम जाब बाबूजी के घर, यज्ञ होते ना जाब तो काम बड़ा गड़बड़ हुई। कहने कि जब हमको निमंत्रण नहीं है तो तुमको जाना उचित नहीं है, मत जाओ। लेकिन सती जी बात ना ही मन ली, जब ना मन ली तो भैल का कहे शिव जी सुना रानी नहीं हर जैबू हो यानी। लेकिन अवरू का कहलन कहलन कि बात ना मनबू तो बड़ा कष्ट हो। ना ही मान सती हो, ना ही मान सती हार सिंह मनाए के बात समुझाए के ना। जाके देख यज्ञशाला, जाके देख यज्ञशाला, भाग सिंह को ना देखाला। जर गईली सती हो, जर गईली सती अगिया लगाई के बात समुझाई के ना। मच गई ले हाहाकार जब सती जी यज्ञ में कूद के जर गईली, तो वो समय भगवान भोलेनाथ के खबर मिलल। जब खबर मिलल तो भैल का मचल चौ मुखा हाकार शिव जी पाए समाचार। शिव जी पाए समाचार, शिव जी पाए समाचार, हो जटा पटक दिए हो, जटा पटक दिए क्रोधवा बढ़ाई के बात समुझाई के ना। भगवान भोलेनाथ जब ये खबर सुनलन तो गुस्सा हो गए। गुस्सा में एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दे, पटक देना तो दुई गण तैयार हो गए। तो भैल का वीरभद्र भद्र काली, वीरभद्र भद्र काली जग्यनाश कर डाली। घूमे लाश लेके हो, घूमे लाश लेके भोला पगलाई के बात समुझाई के ना।
भगवान भोलेनाथ पगला गेल। जब पगला गेल तब विष्णु भगवान सोचलें कि अब का हो, अब इस तरह माने वाला ना बटे, तो कैलन का विष्णु भगवान चक्र विष्णु जी चलाए, चक्र विष्णु जी चलाए टुकड़ा 51 बनाए, चक्र विष्णु जी चलाए टुकड़ा 51 बनाए, पूजा सीता राम राज मन लगाई के बात समुझाई के ना।